गुरु ग्रंथ सिंह की बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटने के बाद पंजाब सरकार ने अब 3 मामलों में जो है वो मंजूरी केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करने के लिए डेरा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए क्या ये मामला था और क्या ये पंजाब सरकार ने मंजूरी अब दे दी है, तो अब आगे डेरे की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की जो बेअदबी हुई, बहुत ही मंदबागी घटना है और डेरा सच्चा सौदा इसकी बहुत निंदा करता है और पंजाब सरकार से डेरा सच्चा सौदा ये आह्वान भी करता है, जो असल दोषी इसके अंदर हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी साजिश वजह इसकी जांच करके निर्दोषों को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। और जहाँ तक पूज्य गुरु जी की बात है, पूज्य गुरु जी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है, सम्मान किया गया है और ऐसा ही करने की प्रेरणा भी दी गई है। तो बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का या पूज्य गुरु जी का या डेरा सच्चा सौदा की किसी भी श्रद्धालु का कोई भी हाथ नहीं है। जब 2015 में इसकी जांच स्टेट ऑफ पंजाब की SIT द्वारा शुरू की गई, तो कुछ समय बाद स्टेट ऑफ पंजाब ने ही CBI एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जाँच CBI को सौंपी और ये कहा कि इसकी जाँच आगे CBI करे। जब CBI ने इस सारे मामले की जाँच की और साइंटिफिक जाँच की, ऑन रिकॉर्ड की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जब इसकी साइंटिफिक जांच CBI द्वारा की गई, जिसमें लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी हुए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हुए, जो पोस्टरों की बात चल रही है, पोस्टरों के ऊपर जो हैंडराइटिंग थी उसकी भी जांच की गई, तो CBI ने सारी जांच के बाद ये पाया कि ये बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का या उसके किसी श्रद्धालु का या पूज्य गुरु जी का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद ही CBI ने एक क्लोजर रिपोर्ट CBI कोर्ट मोहाली के अंदर दायर की और जैसे ही स्टेट ऑफ पंजाब की टीम को ये पता लगा कि एक इसमें क्लोजर रिपोर्ट आ गई है, इसकी सच्चाई पे जांच हो चुकी है, CBI ने सत्यता पर जांच करके और डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को निर्दोष साबित कर दिया है, तो एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए इसी साजिश में स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा ये जांच वापस ले ली गई, जो कि नहीं ली जा सकती। तो आपको क्या लग रहा है इस मामले में, क्या साजिश चल रही है? जी, बिल्कुल साजिश वैसे ऐसा हो रहा है। पूज्य गुरु जी ने तो कभी सोचा भी नहीं, किसी धर्म की बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि 6 करोड़ लोगों की संगत के बीच में पूज्य गुरु जी ने सारी संगत को आह्वान भी किया था और एक बार नहीं लाखों बार कर चुके हैं। आप देखेंगे 1948 से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई, जब से लेके आज तक हजारों सत्संग YouTube पे पड़े हैं और ऑनलाइन पड़े हैं। आप देख के सुन के कोई भी एक ये कह दे कि किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द ही पूज्य गुरु जी द्वारा बोला गया हो, और यहाँ तक कि पूज्य गुरु जी द्वारा तो सात संगत को ये कहा गया, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, रस्ते में होते हैं, कोई भी पवित्र धार्मिक स्थल आपको दिखता है, आपने झुक के सत्कार करना है, उनको श्रद्धा करना है दिल से, वो हमारे पवित्र धर्म है सभी, तो या पूज्य गुरु जी तो ये शिक्षा देते हैं। तो ये साजिश वैसी है जो पूज्य गुरु जी को फंसाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक मैं आपको बताया, जब ये जांच स्टेट ऑफ पंजाब ने वापस ली, उसके बाद पूज्य गुरु जी द्वारा माननीय हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जब सारे तथ्यों को रखा गया, तो माननीय हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों को मानते हुए नीचे जो ट्रायल के केस थे उन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट जाती है इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, और यहाँ तक कि स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ भी नहीं रुकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उन्होंने अधूरे तथ्यों को रखा, एक तरफा की बात वहाँ बताई। तो इस उनकी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और बहुत ही जल्द हम पूरे तथ्यों के साथ, पूरी सच्चाई के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे तथ्य रखने जा रहे हैं, एक जवाब दायर करने जा रहे हैं, और हमें पूर्णतः विश्वास है जब हम वो सारी सच्चाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरे तथ्यों के साथ रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। आने वाले दिनों में डेरा की तरफ से और क्या रुख रहने वाला है इस मामले में? देखिए, हमने इसमें लीगली जो है लीगली लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सच हैं। सच्चाई को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, सच्चाई सामने आने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, तो हम पूरा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके अंदर और हमें पूर्णतः विश्वास है जब कोर्टों के अंदर हम ये तथ्यों को बताएंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। केस कब के हैं और क्या क्या मामले थे? देखिए, 2015 के केस हैं, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की बेअदबी की गई, उनके अंगों को बिखेरा गया, बहुत ही मंदभागी घटना, हमारी तो जुबान भी साथ नहीं देती, इस बात को बोलते हुए भी हमारी जुबान साथ नहीं दे रही, तो बेअदबी कैसे कोई कर सकता है डेरा सच्चा सौदा का सदस्य है। तो हम बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो असल दोषी हैं वो सामने आने चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको नहीं फंसाया। इस मामले में 3 FIR भी दर्ज हुई थी पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट में और अपना पूरे पंजाब भर में, जिस तरह से डेरा जो सच्चा सौदा के राम जो आरोप लगे थे कि बेअदबी मामले में किसी इन्वॉल्व नहीं था, तो इस मामले को लेके अब हाईकोर्ट जो पर्यावरण हाईकोर्ट है वहाँ पर भी चला, अब सुप्रीम कोर्ट में चला, पंजाब सरकार की तरफ से मंजूरी अब इस मामले को दे दी जाती है, तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अब आगे क्या रुख है वो रहने वाला है? देखिए, ये जो बात चल रही है कि पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है,
ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं एज ए लीगल एक्सपर्ट कि ये सैंक्शन कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हमारे केस को ही दिया है, जो इस सेक्शन से रिलेटेड और अदर सेक्शन भी कुछ ऐसे होते हैं उनसे रिलेटेड एक ये लीगल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल प्रोसीजर है जिसको सबने फॉलो करना होता है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आम जनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हर एक ने फॉलो करना होता है और उसी को फॉलो करते हैं उन्होंने सैंक्शन दी है। और जो आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग रहेगी, क्योंकि ऑन कैमरा जब तक कोई मामला कोर्टों में पेंडिंग होता है तो ओपनली ऑन कैमरा कहना ये उचित नहीं रहता, तो ये सारे तथ्यों को हम कोर्ट के समक्ष ही रखेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया, जब ये सच्चाई हम सारे तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष रखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो ये थे डेरा के प्रवक्ता, इनको साफ तौर से कहना है कि अब इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो याचिका है इसका जवाब देंगे।